कैसाले मुरादाबाद के स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है और कहा है कि हम सभी कोविड 19 में लगातार पिछले साल से एक भी दिन की बिना छुट्टी लिए रविवार को भी काम किया है, लेकिन 25% बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि देने की बात आई तो सरकार सिर्फ गिने चुने कर्मचारियों को ही दे रही है। इस स्थिति में हम सभी के साथ भेदभाव हो रहा है, सरकार सिर्फ ताली बजा के हमारा मजाक बना रही है। पिछले साल से अब तक कोरोना से शहीद हुए कर्मचारियों के आश्रितों को सरकार ने कोई भी भत्ते और नौकरी भी नहीं दिए। सरकार ने पिछले साल तो कोई भी पारितोषिक या प्रमाण पत्र प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित नहीं किया है। इस साल जब देने की बात आई तो मात्र 25% दे रही है और वह भी भेदभाव पूर्ण दे रही है, जबकि सभी प्राथमिक सामुदायिक व जिला चिकित्सालय के समस्त कर्मचारी कोरोना संक्रमण की जद में है। सरकार की नीति के विरोध में काला फीता बांधकर शासनादेश की प्रतियां भी सभी कर्मचारियों ने जलाकर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया है। ये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद लखनऊ के आह्वान पर समस्त उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में आज जो है ये जो काला फीता बांधकर काम किया गया स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा और जो शासनादेश हुआ था जिसमें आपस में कर्मचारियों को बांटने का काम किया कि इन कर्मचारियों को हम देंगे 25% प्रोत्साहन भत्ता देंगे, इनको नहीं देंगे, उनके पास ऐसा कैसा पैमाना है कि कौन कोविड में काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आज हमारा सबसे छोटा कर्मचारी से लेकर उच्च स्तर कर्मचारी डॉक्टर तक प्रत्येक कर्मचारी कोविड में काम कर रहा है, अपने बच्चों से दूर रहकर काम कर रहा है। हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, हमारा जिला अस्पताल हो, हमारा वैक्सीनेशन सेंटर हो या हमारी RRT टीम हो, सब लोग कोविड में ही काम कर रहे हैं। आप लोग अपने आप एक ऐसा पैमाना बनाएंगे कि कुछ लोगों को प्रोत्साहन राशि उसमें 25% देंगे, कुछ लोगों को नहीं देंगे। हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, संविदा के कर्मचारी, नियमित कर्मचारी रात दिन पिछले 2 सालों से अपने आप भी संक्रमित होकर काम कर रहे हैं, अपने परिवार को भी संक्रमित होकर काम कर रहे हैं, अपने परिवार को लोगों को खोते हुए देखा है हमने, हमारे अपने बीच के साथी गए हैं। आज तक जो 50 लाख की घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा, किसी भी कर्मचारी की शहादत होने के बाद किसी भी कर्मचारी को 50 लाख की अनुदान राशि अभी तक नहीं मिली है। जो आप 25% की बात कर रहे हैं, पहले आपने सरकार ने कहा था कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं सबको 25% उनके मूल वेतन का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसके बाद शासनादेश आता है कि आप इन चंद कर्मचारियों को देंगे जिन्होंने मई से पहले क्या कोविड भी नहीं था क्या, मई से जिन्होंने काम किया है वो भी 14 दिन का। अब क्या मांग है आपके? आप केवल सिर्फ एक ही मांग है, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं वो तमाम इस महामारी में काम कर रहे हैं, कोविड के मरीजों के बीच में काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है सभी को, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, क्योंकि सभी लोग इस वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, सभी कर्मचारियों को 25% जो प्रोत्साहन राशि है प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मचारी को दी जानी चाहिए, यही हमारी मांग है।